आज मैं आपको बताऊंगा घर में आपके चूहे, खटमल, मच्छर, चींटी, इस तरह के काफ़ी जो घर में पाए जाते हैं कीट छोटे छोटे, उन सबको भगाने के लिए घरेलू नुस्खा, एक तरीका जिससे आपके चूहे, खटमल, मच्छर, मक्खी, जितने भी कीट होते हैं घर पर, कॉकरोच, छिपकली, इस तरह के सभी घर से भाग जाएंगे एक तरीके से। वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आप देखिएगा क्या करना है। थोड़ा सा पानी लेंगे हम, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से इस तरह का एक लिक्विड जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा तैयार होगा, वो देखिएगा किस तरह से होगा। हम इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं इस तरह से, और ये इस ऐसे एक तरीके से कई सारे कीट भाग जाएंगे। इसके लिए आपको ऐसे बनाना है। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट जो जो हमने लेने हैं वो देखिए कैसे कैसे होंगे। एक हमने लिया है सिरका, विनेगर। दूसरा ये देखिए क्या है, ये आपको घर पे आप आसानी से ले सकते हो, किसी भी किराने की दुकान से आप ये आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद ये घरेलू चीज़ जो कि आम तौर पर दिखाई देती है, आप कई लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, और इन सब से बनाकर दिखाएंगे आपको घरेलू चूहे, खटमल, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, इन सब को भगाने के लिए एक तरीका। देखिएगा कैसे बनेगा। हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हमने क्या करना है, इससे इतना ये पानी भी गर्म होगा उतना हम इसको कूट लेते हैं। देखिए हमने कूट के इसको तैयार कर लेना है, बारीक बारीक पीस कर। ये कपूर है, कपूर घर में लोग, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये आइस तैयार होके ये बहुत अच्छा बन जाएगा हमारे लिए। ये बारीक बारीक हमने इसको पीस लेना है, और पीस कर एक कटोरी में निकाल लेना है। इसमें हमारा निकाल कर हमने ये देखिए आपके सामने ये रख दिया है, और इसको पीस कर बिल्कुल बारीक बारीक, अगर ना भी हो तो इसको आपने बिल्कुल बारीक ही लेना है। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक निकल के आपका तैयार हो जाएगा, ये रहा। और इतना हमारा पानी भी गर्म हो गया है, और हमने किस, ये देखिए हमने गर्म पानी लिया है यहाँ पर, और इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे, और फिर इन सब को मिलाकर एक तरीका ऐसा बनाएंगे जिससे कि आपके घरेलू घर में जितने भी कॉकरोच जैसे जो परेशान करते हैं आपको, आपके घर में आ जाते हैं और वो बड़े नुकसान करते हैं हमारे, छिपकली और मच्छर बड़े गर्मियों में परेशान करते हैं, तीन तरीके आप उनको प्रयोग कर सकते हो जिससे कि वो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ये भाग जाएंगे। ये हमने जितना भी कपूर हमने पीसा था वो सारा इस गर्म पानी में हमने इस तरह से मिला लेना है, ये देखिए, और इसको आप घोलते रहेंगे तो ये इसमें ऐसे घुल जाएगा, और अगर बारीक होगा तो बिल्कुल बारीक बारीक घुल जाएगा, ये देखिए। और थोड़ा सा हमने इस सिरके का प्रयोग बताएंगे, और ये लास्ट में कितना लेना है ये भी देखिएगा आप ध्यान से, इस चीज़ को भी, ये जो डिटोल लिया है इसको कैसे मिलाएंगे वो भी देखेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें इस सिरके को एक बाउल में लेकर कितना लेना है वो देख लीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना आप लिक्विड बनाना चाहते हैं। और जब आप फरस पे प्रयोग करोगे, पोचा लगाते हैं तब, जब देखिएगा जब आप पोचा लगाएंगे तो कितना डालना होगा वो भी, उसकी मात्रा भी ज़रूर देख लीजिएगा। और इतना हम इस सिरके को इसको डाल लेते हैं, ये देखिए हमने कम से कम इतना, ये आप ले सकते हो करीबन आधी कटोरी, छोटी छोटी वाली आधी कटोरी आप इसमें डाल सकते हो, और इसको हमने ऐसे मिला दिया है, और इसको अच्छे से फिर आप घोलिएगा, और इसके बाद ये तो हमारा एक लिक्विड तैयार होगा। इसको आप प्रयोग करोगे तो ये होएगा आपके बड़े काम आएगा, आपके जितने भी घर में कीट मकोड़े होते हैं उन सबको भगा सकता है। ये अब हमारा घुलने जा रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, बारीक बारीक ये घुलकर हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए देखिए इसके जितने भी कपूर के जो कण हैं वो सारे इसमें घुलने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। और हमने विनेगर भी इसमें डाला है, इसकी खुशबू भी थोड़ी अजीब सी लगेगी, वो आपको देखिएगा कैसी होगी, और उससे आप उससे ही कैसे भागते हैं सभी कीट वो देखिएगा। अब उसके बाद जैसे घुलने स्टार्ट होंगे, उसके ये हमारा जो विनेगर और कपूर ये घुलने लगा है, उसके बाद हम इस डिटोल को डालेंगे,
कितना डालिएगा वो भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अब मात्रा को देख जरूर देख लीजिएगा। हमने ये देखिए डिटोल निकाला और फिर अब हम इसको मिलाने जा रहे हैं। एक ढक्कन जो आपने लिया है वो भी आप ले सकते हो, उसको आप इसमें इस तरीके से डाल सकते हो। ये देखिए हमने ये लिया और इसमें ऐसे मिला दिया, मिलकर हमारा देखिए वाइट वाइट तैयार हो गया है। ये एक जैसे फिनाइल की तरह भी आप इसको प्रयोग कर सकते हो पोछा लगाते वक्त, और फिर ये हमारा देखिए घुलने कर तैयार हो गया है। आप घर में पहला तरीका, जब भी आप पोछा लगाएं घर में, जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो पोछा लगाएंगी, उस समय आप क्या करिएगा, एक ढक्कन करीबन एक ढक्कन आप इसको अपने पोछे वाली बाल्टी में आप ले सकते हो। एक ढक्कन जब ये मिलकर ठंडा हो जाए इसको रख भी सकते हो, और जब पोछा लगाएंगे तो एक ढक्कन आप इसमें ले लीजिएगा ऐसे, और उस बाल्टी में आप मिला लीजिएगा, इतना लेकर उसमें मिला लीजिएगा। अगर ये ना भी हो तो इसको घोल लीजिए अच्छी तरह, जब आप बारीक पीस लोगे तो ये घुल जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसको थोड़ा सा किसी कटोरी में लेकर अपने जब किचन में जैसे टाइल्स होती हैं उन पर आप सफाई करते हुए भी आप दिखा सकते हो, हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद इस बोतल में भी आप इसको भरकर अपनी स्प्रे कर सकते हो, और अपनी किचन में जितने भी फर्श पर आप टाइल्स पर स्प्रे करके उन इसका प्रयोग कर सकते हो दूसरे तरीके से। ये देखिए हम आपको भर के दिखाते हैं। हमने आपने आपने क्या करना है, इसको ऐसे मिलाकर हल्का हल्का सा किसी बर्तन में लेकर आप इसमें डालोगे, उसके बाद स्प्रे करके हम दिखाएंगे किस तरीके से कितनी गंदी से गंदी टाइल्स को भी साफ़ करेगा, उसके साथ साथ इसकी खुशबू से कीटाणु जितने भी होंगे वो भी भाग जाएंगे, और दूसरे जितने भी कॉकरोच जो किचन में से निकल के भागते हैं वो भी नहीं आएंगे, और ये अपने आप के बड़े काम आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको इसमें डाल लेना है। ये हमने इसको डाल के अभी तो हमने थोड़ा लिया है, आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले लीजिएगा। और ये देखिए ये हमने स्प्रे एक तैयार कर लिया है, ये आपके सामने स्प्रे तैयार हो गया है, इसको आप ऐसे स्प्रे कीजिए। और एक टाइल पर भी आप, ये देखिए गंदी टाइल है, इस गंदी टाइल को कैसे साफ़ करिएगा ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए हमने एक गंदी वाली टाइल पर ऐसे स्प्रे कर देना है, और उसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं कैसे साफ़ होगा। ये आपके सामने साफ़ होने लगा है, देखिए हल्का हल्का, अभी थोड़ी ही देर में इसका फ़र्क आपको नज़र आने लगेगा और ये साफ़ होकर आपका बन जाएगा। मच्छर भगाने के लिए बड़ा ही असरदार तरीका है, कॉकरोच भगाने के लिए बड़ा असरदार तरीका है, और भी कई सारे जितने भी घर में होते हैं इसको स्प्रे करने से छिपकली जैसे भी जो भी आपके घर में होती हैं वो नहीं आएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको